दोस्तों स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल में। अगर एक आप टीचर हो या कुछ आप पढ़ाते हो सिखाते हो या फिर आप पीसी या लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो आपके लिए एक ज़बरदस्त ऐप है जो सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो आप इसको, पीसी में या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। इसका नाम है आप ग्यूमीट। अब इसमें इतना फ्यूचर है कि आप जान के हैरान हो जाओगे। तो कैसे यूज़ करना है आसानी तरीके से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी आपको दे दूंगा। हर एक ऐप की डिटेल मैं आपको बताऊंगा और कैसे डाउनलोड करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लिंक इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तभी आप समझ पाते हो कि इसको पूरा कैसे यूज़ करना है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो कुछ इस तरह इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो जूम, लाइव जूम, ड्राव, टाइप, ब्रेक, ये सब कुछ ऑप्शंस में इस वीडियो में कवर कर दूंगा कैसे यूज़ करना है क्या करना है। तो सिंपली हम इसे ओके कर देते हैं। पहला ऑप्शन जो है कंट्रोल प्लस टू, जैसे हम दबाएंगे यहाँ पे देख सकते हो आप प्लस आ चुका है। अब इससे आप माउस से स्क्रोल करके ऐसा कुछ भी ड्रैग कर सकते हो। ओके, अगर आपको इसको आप सब हटाना है तो ये दबाओगे कीबोर्ड पे सिर्फ तो ये सब हट जाएगा। अगर एस्केप दबाओगे तो ये प्लस आइकॉन भी हट जाएगा। आपको जूम करना है, मान लो आपको ये सब जूम करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस टू दबाओगे और जहाँ भी माउस लेके जाओगे आप वहाँ जूम जो माउस का स्क्रोल है उसे व्हील है उसे आप जैसे ही घुमाते हो तो जूम इन जूम आउट हो जाता है। अगर वही हम बात करें तो इसको आप कंट्रोल प्लस फोर दबाते हो तो जहाँ पे भी आप माउस लेके जाते हो, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस फोर मैंने दबा दिया, अब जहाँ भी माउस लेके जाते हो वहाँ का जो टेक्स्ट है या जो कुछ भी आप दिखाना चाहते हो वो जूम हो जाता है। जैसे कि मान लो ये माउस में यहाँ पे लेके जाता हूँ नीचे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ इस तरह। इसके बाद फोर्थ वाले हम बात करते हैं, अगर आपने कंट्रोल प्लस टू दबा के एक बार छोड़ देना है उसके बाद आपको कंट्रोल दबा के रखेंगे तो आप कुछ इस तरह बॉक्स आप बना सकते हो। कितना बड़ा है चाहे अगर आप कुछ टीचिंग कर रहे हो या कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हो दिखाना चाहते हो तो सिंपली आप इसको ऐसे सेलेक्ट करके दिखा सकते हो। अगर वही हम बात करें इसको हटा देना है तो सिंपली हम ये दबा देंगे तो ये हट जाएगा। फिर से वही करना है तो कंट्रोल दबा के आपको स्क्रोल करना है। अगर सेकेंड वाला इसमें ही बात करते हैं, कंट्रोल प्लस टू आपको दबा के एक बार छोड़ देना है उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप कुछ इस तरह एरो बन जाएगा। मान लो आप ये डॉक्स वाला दिखाना चाहते हो या माइक्रोसॉफ्ट वाला दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो। उसके बाद आपको इसका कलर चेंज करना है, जो प्लस आइकॉन दिख रहा है अभी सब रेड में हो रहा है तो उसमें आर दबाओगे तो रेड हो जाएगा, वाई दबाओगे तो येलो हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हो आप, उसके बाद बी दबाओगे तो ब्लू हो जाएगा, उसके बाद जी दबाओगे तो ग्रीन हो जाएगा, ओके उसके बाद पी दबाओगे तो पिंक हो जाएगा। तो इतने कलर इसमें अवेलेबल है तो इसको सबको हटाना है, सिंपली हम ई दबा देंगे तो हट जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कंट्रोल शिफ्ट टैब दबा के हम इसको माउस से स्क्रॉल करेंगे तो ये राउंड बन जाएगा। इसको हम रेड कर देते हैं कलर। टैब आपको प्रेस करके रखना है और माउस से सिर्फ उसको स्क्रॉल करना है। अब जितना बड़ा चाहे हो बना सकते हो, जितना छोटा चाहे हो बना सकते हो, इससे आप राउंड बना सकते हो। अगर आपको ये सेव करना है, शो करना है, किसी को दिखाना है तो ऐसे आप दिखा सकते हो। वही बात करें इसके कलर के तो बी दबाओगे तो ब्लू हो जाएगा, उसके बाद टैब फिर से प्रेस करना है और आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ये सब हटाना है आपको, सिंपली ई दबा देना है तो ये सब हट जाएगा। उसके बाद अगली बात करते हैं, शिफ्ट होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप कुछ इस तरह हम लाइन बना सकते हैं। शिफ्ट आपको दबा कर रखना है और माउस को आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है। अगर इसका भी कलर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो कुछ इस तरह। आगे बहुत कुछ है, हम सब इस वीडियो में बता दूंगा आपको, आप चाहो तो लिख के ले सकते हो, जब भी आप यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं
ये सब हटा देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, टी दबा देना है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट ये भी देख सकते हो इतना छोटा है, आपको बड़ा करना है तो सिर्फ माउस का आपका जो व्हील है उसको आप घुमा देना है, आप जितना घुमाते हो उतना बड़ा हो जाता है। आप कुछ भी लिख के आप बताना चाहते हो तो आप बता सकते हो। अगर वही हम बात करेंगे आपको, मतलब अब तो हम डेस्कटॉप पे लिख रहे हैं, अगर आप कोई स्क्रीन में लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे W दबा दोगे तो वाइट हो जाएगा और K दबा दोगे तो ब्लैक हो जाएगा। आप इसमें सब कुछ लिख सकते हो, मतलब आपको जो कुछ भी बताना है तो आप बता सकते हो। W दबा दिया उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन वाइट आ जाएगी। आप यहाँ से कुछ भी ड्राइव करके दिखा सकते हो, या फिर T दबा के यहाँ पे टेक्स्ट करके दिखा सकते हो, या फिर कुछ भी यहाँ पे आपका डिज़ाइन है तो उस पर आप ऐसा बॉक्स करके दिखा सकते हो, और चाहे तो आप इसको सर्कल बना के भी दिखा सकते हो। बहुत कुछ इसमें ये, अगर आपको सिर्फ माउस से ही कुछ इसको ये लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं अभी सब्सक्राइब करके लिख दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब हटाने है तो सिंपली ई दबा दो, ई आ जाएगा, के दबा दो ब्लैक स्क्रीन आएगा। सेम वही इस पर भी आप कर सकते हो। तो वही कुछ इम्पोर्टेंट्स था जो इस ऐप के बारे में आपको बताना था, बता दिया। आप चाहो तो फिर से एक बार वीडियो देख के आप पेपर या किस पे तो बुक में आप रीड करके राइट करके रख सकते हो, ताकि आपको जब भी ऐप यूज़ करना है तो 4-5 बार आप देख के यूज़ करोगे तो आपको 100% पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इसको डाउनलोड करने से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिंपली लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वहाँ उसका जवाब दे दूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।